आपका पहला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका ऑप्शन है ए सुनीता विलियम्स, बी कल्पना चावला, सी अनुशेह अंसारी, सी राखी सावंत। आपका सही जवाब होगा बी कल्पना चावला। आपका दूसरा सवाल है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? आपका ऑप्शन है ए हिंदी, बी उर्दू, सी बांग्ला, डी तमिल। आपका सही जवाब होगा सी बांग्ला। आपका तीसरा सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए मोहनलाल गांधी, बी मोहनदास करमचंद गांधी, सी मोहनदास लाल कृष्ण गांधी, डी मोहनदास विनायक गांधी। आपका सही जवाब होगा बी मोहनदास करमचंद गांधी। आपका चौथा सवाल है, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। आपका सही जवाब होगा बी राज्यसभा। आपका पांचवा सवाल है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? आपका ऑप्शन है ए खुशवंत सिंह, बी आर के नारायण, सी सलमान रुश्दी, डी विक्रम सेठ। आपका सही जवाब होगा ए खुशवंत सिंह। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 6, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? आपका ऑप्शन है ए 38 मिनट, बी 50 मिनट, सी 67 मिनट, डी 90 मिनट। आपका सही जवाब होगा ए 38 मिनट। आपका सातवां सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी चेनाब, डी गोदावरी। आपका सही जवाब होगा सी चेनाब। आपका अगला सवाल है 8, कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए उदयपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। आपका सही जवाब होगा बी जयपुर। आपका अगला सवाल है 9, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 14 सितंबर, डी 2 अक्टूबर। आपका सही जवाब होगा सी 14 सितंबर। आपका अगला सवाल है 10, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ये यमुना, बी गंगा, सी नर्मदा, डी गोदावरी। आपका सही जवाब होगा ए यमुना। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 11, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां रात के 12 बजे सूरज निकलता है?
आपका ऑप्शन है ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी रूस, डी फिनलैंड। आपका सही जवाब होगा बी नॉर्वे। आपका अगला सवाल है 12। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी संसद। आपका सही जवाब होगा डी संसद। आपका अगला सवाल है 13। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था? आपका ऑप्शन है ए 1970, बी 1972, सी 1975, डी 1980। आपका सही जवाब होगा सी 1975। आपका अगला सवाल है 14। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी अंटार्कटिक महासागर। आपका सही जवाब होगा सी प्रशांत महासागर। आपका अगला सवाल है 15। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए कंचनजंघा, बी नंदा देवी, सी माउंट एवरेस्ट, डी नीलगिरी। आपका सही जवाब होगा ए कंचनजंघा। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। भारत में किस राज्य को देश का अन्न भंडार कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। आपका सही जवाब होगा ए पंजाब। आपका अगला सवाल है 17। किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है? आपका ऑप्शन है ए हाथी, बी दरियाई घोड़ा, सी लकड़बग्घा, डी भेड़िया। आपका सही जवाब होगा बी दरियाई घोड़ा। आपका अगला सवाल है 18। किस भारतीय सम्राट ने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अकबर, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब होगा सी अशोक। आपका अगला सवाल है 19। कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है? आपका ऑप्शन है मरमोट, बी कंगारू चूहा, सी कोआला, डी ब्लू टंग लिजर्ड। आपका सही जवाब होगा बी कंगारू चूहा। दोस्तों, अब यह है सवाल आपके लिए। आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए तरबूज, बी कटहल, सी नारियल, डी पपीता। आपका सही जवाब क्या होगा? आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।